हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि फ्रिज का पुराना कंप्रेसर कैसे बदला जाता है और उसे कैसे पूरा रिप्लेस करा जाता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्लपूल की तरफ से जो सेकंड इंजीनियर आए हैं वो कंप्रेसर चेंज कर रहे हैं, तो इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। और दोस्तों, इस कंप्रेसर का कोई चार्ज नहीं लगता है, बाकी जो अदर्स पार्ट होते हैं उनके चार्ज लगते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा नया कंप्रेसर है और ये पुराना वाला था, आप देख सकते हैं। कंप्रेसर लगाया जा रहा है, तो ये गैस भरी जा रही है इसके अंदर। ये सबसे पहले मेजरमेंट होता है इसका, वहां पे देख सकते हैं 498 ग्राम्स हैं और इसमें एक सर्टेन अमाउंट में दोस्तों गैस भरती है, जो वहाँ पर जो मीटर है उससे देख के बताई देखी जाती है। ये कनेक्ट कर दिया है, ये गैस जाने लग गई, आप देख सकते हैं वो मीटर में, ये देखिए। ये आप देख सकते हैं हो चुका है, हमारी सोल्डिंग हो चुकी है, जो कंप्रेसर है वो बिल्ड हो चुका है इसके अंदर। सो आप अगर गैस के लिए कंफ्यूज हो रहे हैं तो दोस्तों आपको बता देता हूँ, जो आपके कंप्रेसर में जो गैस पड़ेगी वो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चार्ट है, उसमें लिखा रहता है, उसी चार्ट के अकॉर्डिंग आप में होता है। सो यहीं पे लिखा रहता है, यहाँ पे हमारा ऑफिशियली 102 ग्राम है। सो गाइस, यहाँ पे हमारा पूरा फ्रिज बिल्ड हो चुका है और यहाँ पर अब चेक हो रहा है टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, यहाँ पे टेस्ट करा सकते हैं आप भी। और यहाँ पे कंप्रेसर दोस्तों ऑन हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं हमारा जो फ्रिज एकदम ठीक हो चुका है। ये हमारा वर्लपूल का फ्रिज है जिसमें कंप्रेसर चेंज हुआ था, देखिए देख सकते हैं कितनी मस्त एकदम स्टीम दिख रहे हैं, एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही है, इसके अंदर बर्फ भी जमी है, ये देखिए बर्फ भी जमने लग गई है, देखिए आपके सामने है, ये देखिए बर्फ। अब इस पर हमारा फ्रिज एक नंबर ठंडा हो गया है, तो चलिए स्ट्रिंग पी लेंगे थोड़ी सी और इस वीडियो को एंड करते हैं।